सो वेलकम बैक गाइज, आगे मैं एक न्यू वीडियो लेके। तो गाइज, जियो फोन और जियो भारत सीरीज के काफी सारे फोन हमने चैनल पे आपको दिखाए हैं और आज हमारे पास दो नए और फोन हैं जियो भारत सीरीज में, और मैं बात कर रहा हूँ जियो भारत V3 और V4। ये वाले दोनों फोन जस्ट जियो ने अभी लॉन्च किया और सबसे अच्छी चीज इनका जो प्राइस है वो है 1099 रुपए। तो जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे है ये दोनों फोन, कैसे है इनके फीचर्स और क्या ये दोनों फोन लेने लायक है नहीं है। तो शुरुआत करें अगर इनके अनबॉक्सिंग से, तो यहाँ पर हमारे पास फोन की पिक्चर्स है और यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है वो है जियो V3 एंड V4, 4G फोन है दोनों। बाकी बॉक्स इनका सिमिलर सा है, जस्ट थोड़ा डिजाइन डिफरेंस है इसके अंदर दोनों फोन्स के अंदर। और यहाँ पर अगर पीछे की साइड अगर हम देखें तो एक्जैक्टली सेम फीचर्स हैं। तो आपको यहाँ पर 1.77 इंच की QVGA TFT डिस्प्ले मिल रही है, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, स्पीकर फोन है, दोनों फोन में 1000 mAh की बैटरी आती है, 23 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट एंड यहाँ पर आपको वायरलेस FM रेडियो एंड HD वॉइस कॉलिंग मिल रही है। बाकी ऊपर की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ जियो सर्विसेज दोनों फोन सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो पे, जियो फोटो, जियो सावन, जियो TV एंड जियो चैट। तो जैसा आपने देखा कि स्पेसिफिकेशन वाइज और फीचर वाइज ये दोनों फोन सेम है, तो जस्ट थोड़ा डिजाइन का इनका डिफरेंस है। बाकी देखते हैं इनको ओपन करके, देखते हैं कैसे हैं दोनों फोन। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं V3। तो ये है हमारा जियो भारत V3 और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी स्क्रीन पे कुछ RSN लिखा है। आई एम नॉट श्योर यू नो टेस्टिंग फोन थे क्या थे। तो ये वाला फोन थोड़ा बॉक्सी सा शेप का दिख रहा है एंड इसको भी रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो यहाँ पर हमें मिलती है इसकी बैटरी जो कि 1000 mAh की बैटरी है, और इधर हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज है जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, और ये रहा हमारा अगेन वही 2.5 वॉट का चार्जर एंड माइक्रो USB है। तो माइक्रो USB मुझे लग रहा है कि जियो के पास कुछ माइक्रो USB पोर्ट्स पड़े होंगे, तो उन्होंने लग रहा है कि जियो भारत सीरीज में लगा देते हैं। बाकी 2.5 वॉट का माइक्रो USB इन 2024, ये चाहे 1000 का फोन हो 1500 को, एटलीस्ट इसमें नॉर्मल टाइप सी दे देते, चाहे स्लो टाइप सी देते। माइक्रो USB थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इन फोन्स में। तो एक बार जल्दी से V4 भी ओपन करके देख लेते हैं कैसे है फोन, दोनों साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे डिजाइन इनका। बॉक्स कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर है, जस्ट ये रहा हमारा फोन, ये चार्जर और ये रही हमारी इसकी बैटरी एंड दैट्स इट। तो इनको रखते हैं एक बार साइड में। तो ये है हमारे दोनों फोन जियो भारत V3 एंड V4। बाकी डिजाइन वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास सेम स्क्रीन है 1.77 इंच की, और यहाँ पर मेन चीज जो दिख रही है कि जो कीपैड का स्टाइल है थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास फ्लैट कीपैड है, यहाँ पर थोड़ा सा यू नो ऊपर उभरा उभरा कीपैड है, और यहाँ पर जो मिडल यू नो उसकी नेविगेशन है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे सर्कुलर और यहाँ पे कुछ यू नो स्क्वायर सी है। बाकी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर की साइड हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्च है, राइट में हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, बट इसमें यहाँ पे लैनयार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें यहाँ पे लैनयार्ड का ऑप्शन नहीं है, और लेफ्ट की साइड हमारे पास कुछ नहीं है। और नीचे की साइड हमारे पास देखें तो हमारे पास पोर्ट्स हैं जो कि है माइक, हेडफोन जैक एंड माइक्रो USB पोर्ट। तो दोनों फोनों में ही आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। बाकी पीछे की साइड अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जियो की ब्रांडिंग है मिडल में, और ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर कैमरा है जो कि QVGA कैमरा है, और ये वाले जो कैमरा है मेनली जियो पे के लिए यूज होंगे बिकॉज ये दोनों फोन स्कैन एंड पे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1.77 इंच की डिस्प्ले और सेम है, एंड थोड़ा सा लग रहा है कि इस वाले फोन में थोड़े बेजल ज्यादा है, इसमें थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन वो जस्ट डिजाइन है। ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर है ईयरपीस। तो ओवरऑल दोनों फोन में जो मेन चेंज है वो इनका डिजाइन, और ये वाला फोन V3 जो है वो थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, एंड इवन दो यू नो ये फोन थोड़ा सा ऐसे लग रहा है पुराना स्टाइल का है, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल है इसको यूज करने में, और ये वाला फोन ट्रेडिशनल स्टाइल जैसा ही है जैसे कि नॉर्मल फोन होते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे एक्चुअल में V3 से थोड़ी ज्यादा लग रही है, और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो दोनों फोन में जो डिजाइन जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, डिजाइन लैंग्वेज अगर आप बोलो फोन की, तो ये फोन ज्यादा बेटर है। ये थोड़ा सा ओल्ड सा फोन लग रहा है, बार शेप का लग रहा है, एंड कोई भी ऐसा जिसमें डिजाइन नहीं है। तो अगर इन दोनों फोनों में जो डिजाइन वाइज अगर कोई फोन अच्छा लग रहा है तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी आपको इन दोनों फोन्स में कौन सा फोन अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी जल्दी से करते हैं इनको ऑन, बैटरी लगा के इस पे चेक करते हैं कौन कौन से इनके फीचर्स हैं एंड क्या इनके जो फीचर्स हैं क्या वो डिफरेंट है नहीं है। तो एक बार जल्दी से ऑन कर लेते हैं इनको। और एक और चीज मैंने नोटिस करी यू नो जो मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर दोनों फोन जियो सिम ही सपोर्ट करते हैं, सिंगल जियो सिम है, तो कोई और नेटवर्क में फोन नहीं चलेंगे। और यहाँ पर आपके पास 128 GB की माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट है, तो अगर आप इनके फॉर सम रीजन अगर आपको यहाँ पर मेमोरी बढ़ानी हो या फिर सॉन्ग वॉन्ग यू नो सुनने हो अपने फोन से या फिर वीडियो चलानी हो, तो आप इसमें माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो, भी 128 GB का। एंड बैटरी आई थिंक दोनों सेम ही होगी, तो लगा लेते हैं एक बार। इस वाले फोन में हर जगह पता नहीं मार्किंग क्यों है, यहाँ पर भी मार्किंग है DK, आई एम नॉट श्योर क्या है ये। उस वाले फोन में अपने V4 में हमारे पास कोई मार्किंग नहीं है, बट V3 में हर जगह मार्किंग सी है। मे बी जिसने टेस्ट किया है वो अपना सिग्नेचर दे रहा है हर जगह। तो हो गए हैं दोनों हमारे फोन ऑन और ऐसे कुछ ये लग रहे हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो 23 लैंग्वेजेस सपोर्ट है, तो अभी फिलहाल हम इनको इंग्लिश पे ही सेट कर देते हैं। तो दोनों की जो स्क्रीन का जो आउटपुट है, जैसे हमने पहले जियो भारत सीरीज के फोन में देखा था, थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो अगर आप इसको किसी डिफरेंट एंगल से देखो तो थोड़ा सा यू नो स्क्रीन में क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है दोनों फोन्स की, बट अगेन 1000 रुपए के हिसाब से ये जो फोन है आपको कलर डिस्प्ले मिल रही है एंड ये बेटर है। तो जल्दी से हम इस वाले फोन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है टाइम, डेट एंड टाइम, एंड यहाँ है मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट्स। तो ये वाले बटन से मेन्यू जो एक्सेस कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले मिल जाते हैं मेन्यू में यहाँ पे कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, और यहाँ पर है जियो सिनेमा, जियो सावन, टूल्स, मल्टीमीडिया, नोट्स, फाइल्स,
सेटिंग्स इंटरनेट जो कि ओपेरा ब्राउजर होगा, और यहाँ है जियो पे क्लॉक एंड कैमरा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर हम चेक करेंगे जो कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी, कैमरा जैसे मुझे पता है कि ये VGA कैमरा है, तो जो कैमरा क्वालिटी है यू नो ये ओके है, आपको जस्ट QR कोड ही स्कैन करने हैं। बट अगेन थोड़ी सी डिटेल इसमें दिख रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिटेल नहीं है। QVGA कैमरा है एंड 0.3 मेगापिक्सल का, सो फोटोज के लिए यूज नहीं होगा, और फ्रंट कैमरा दोनों ही फोन्स में नहीं है, तो यहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। तो जो मेन फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आपके पास जियो सावन एंड जियो सिनेमा एंड देन जियो पे, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो यूट्यूब नहीं है आपके पास, व्हाट्सएप नहीं है, एंड एक और चीज इस फोन में ना ही वाईफाई है ना ही ये हॉटस्पॉट सपोर्ट करता है, तो जस्ट बेसिक 4G कॉलिंग के लिए फोन है। तो जियो सावन में आप स्टिल इसमें सॉन्ग सुन सकते हो, चाहे इसके स्पीकर से सुनो या फिर हेडफोन लगाकर सुनो। तो जियो सावन मैं बोल सकता हूँ इन फोन में अच्छे से काम करता है, लेकिन स्क्रीन काफी छोटी है, 1.77 इंच के हिसाब से जो स्क्रीन है। जियो सिनेमा अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको यूज करना, एंड एक्चुअल में स्क्रीन पर कुछ दिखता है, क्वालिटी इतनी बेकार होती है, और स्पेशली ये नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं इस फोन में। एक और अच्छी चीज है ये कि अगर आप सिर्फ इस फोन को कॉलिंग की तरह देखते हो तो यहाँ पर जियो भारत के लिए स्पेशल प्लान्स है जो कि 123 रुपए का 123 में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, एंड आई थिंक अराउंड 1/2 GB इंटरनेट समथिंग आपको मिलता है। तो जो भी डिटेल आप चेक कर सकते हो। बाकी जियो फोन वाले प्लान जियो भारत सीरीज में नहीं काम करते, तो आपको जियो भारत के ही प्लान यूज करने पड़ेंगे। तो 1099 के हिसाब से ये फोन दोनों अच्छे हैं, आपको जियो सावन का ऑप्शन मिल रहा है, जियो सिनेमा मिल रहा है, एंड यू नो सबसे पहली बात ये 4G फोन है। तो बेसिकली ये दोनों फोन वहां के लिए है जहां पर आपके पास अभी भी लोग 2G या फिर 3G फोन यूज कर रहे हैं, एंड उनको 4G HD कॉलिंग पर लाने के लिए जियो का ये आई थिंक यू नो प्रयास है। तो यहाँ पर ज्यादा जैसे एक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोनों की मेन्यू सेम है, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एंड आई बिलीव इसमें जियो पे काम करना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हो मैं जियो पे टेस्ट करूँ सारे फोन में, चाहे वो जियो फोन हो या फिर जियो भारत सीरीज हो, तो मुझे कॉमेंट करके बताओ। बाकी कैसे लगे आपको जियो भारत सीरीज के V3 एंड V4 फोन मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आप कुछ चाहते हो ऐसा कि फीचर होना चाहिए था इस फोन में जो कि इसे और वैल्यू फॉर मनी बनाए थे, तो मुझे वो भी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।